खबर खारगोन से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नकली नोट चलाने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे नकदी मोटरसाइकिल जब्त कर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के द्वारा अवैध आग्नेय शस्त्रों का निर्माण, क्रय विक्रय, शराब माफिया और गौ तस्कर एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद खारगोन पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी कार्यक्रम में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक खारगोन सिद्धार्थ चौधरी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खारगोन डॉक्टर नीरज चौरसिया और अनुविभागीय अधिकारी खारगोन रोहित के अलावा मार्गदर्शन में फेक करेंसी निर्माण एवं सप्लाई करने वालों की सूचना प्राप्त होने पर थाना कोतवाली खारगोन पर कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार प्रभारी कोतवाली खारगोन बीएल मंडलोई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गौर पेट्रोल पंप के पास बस स्टैंड खारगोन पर दो लड़के एक मोटरसाइकिल पर हैं, जिनके पास नकली नोट है और वो उन नकली नोटों को बाजार में खपाने की फिराक में हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुखबिर के बताए गए स्थान पर टीम को रवाना किया गया, जहां से दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जिन्होंने अपना नाम रविंद्र एवं अमित होना बताया है। वहीं तलाशी लेने पर रविंद्र के पास से कुल 2,900 रुपए, जिनमें से 200 के 14 नोट और एक नोट 100 रुपए का, तो वहीं अमित के पास से 1,800 रुपए, जिनमें से 200 रुपए के 9 नोट मिले हैं। उनकी जांच करते पाया हुआ गया कि ये कूटकृत मुद्रा एक ही सीरीज की है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस के रिमांड में लेकर उपयोग की गई सामग्री और अन्य साथी आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाएगी।